गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्थी होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज, जो कि डेली बेसिस पे वीडियोज अपलोड होता है। ओके, एंड इम्पोर्टेंट आपकी जो भी एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, एंड अच्छा लगे आपको, लगे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर प्रेस करिएगा। किसी भी तरह का सजेशंस, किसी भी तरह का डाउट, तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, जरूर टाइप करिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। टुडेज 28th of June 2021, आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ बैंकिंग एग्जाम्स अपन सेशंस को स्टार्ट तो करते हैं। पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करता हो, लाइक दैट SBI, लाइक दैट IBPS, RRB, PU एंड क्लर्क, किसी भी बैंकिंग सेक्टर्स का एग्जाम्स हो, SSC का एग्जाम्स हो, रेलवे NTPC का एग्जाम्स हो, या कोई स्टेट लेवल के एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी करते हो, तो सभी में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एक बार। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर तैयार कर रहा है पिछले महीनों के, राइट, तो उनके लिए मैं प्रत्येक मंथ के एंड में, यानी कि एवरी मंथ के एंड में, मैं एक 100 क्वेश्चंस का PDF जारी करता हूँ, राइट। 100 टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस का MCQs फॉर्मेट में एक PDF रहता है, जिसमें आपके बैंकिंग अवेयरनेस की कवर होगा, स्टैटिक जी की कवर होगा, डेली बेसिस पे कोई बुक्स रिलीज होती है, कोई डेज होता है, उनके बारे में भी वहाँ पर बताया है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को PDF चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, आप जरूर टाइप करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है। ओके, उसी प्रकार कुछ टॉपिक बेस पर वीडियोज मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है, जैसे कि अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस या 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। पढ़ना हो मंथली बेसिस पे, अच्छे से याद भी रहेगा, वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, शानदार कंटेंट के साथ मैंने वीडियो डाला है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से बताया है, एक बार आप जरूर देखिएगा। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट आपकी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक रिलीज की है, किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने रिलीज की है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, किसने पुस्तक को लिखा है, सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। इतनी श्योरिटी है एग्जाम्स में, जो भी मैं टॉपिक बताता हूँ, अगर क्वेश्चंस बनता है ना, तो इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनेगा, राइट। इससे डिफरेंट, यानी कि इससे अलग क्वेश्चंस कभी नहीं बनेगा, केवल इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपको देखा जाएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट, एक बार जो मंथली बेसिस पर मेरे वीडियोज हैं, जरूर वॉच करिए, बहुत आपकी मदद करेंगे। ओके, कुछ लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं, बाकी थंबनेल वाइज है, आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस मैंने कल के, यानी कि सैटरडे के क्वेश्चंस में होमवर्क पूछा था। हु हैज बीन इंडक्टेड एज एम्बेसडर्स ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एट WWF, फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के एम्बेसडर्स के रूप में किसको शामिल किया गया है, राइट, WWF इंडिया की तरफ से, राइट। तो वह है, दैट इज द ऑप्शन कामिनी ने, राइट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, युवराज सिंह, रिसेंट में आपको मैंने सभी के बारे में डिस्कस किया था, जो रेगुलर देखता है ना करंट अफेयर, उनको मालूम होगा, राइट। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है,
अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो ही आपका कवर हो पाएगा, याद रह पाएगा। अगर आप डेली बेसिस पर नहीं दिखते राइट, तो आपको एक तरह से कह सकते हैं आपको लास्ट में एग्जाम्स के समय रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो युवराज सिंह जैसा कि मैंने आपको बताया, आई होप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट भी किया होगा देते ही, तो पूमा राइट। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं युवराज सिंह। पूमा मोटर स्पोर्ट है, उसके ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं युवराज सिंह। एक रिसेंट में अभी अभी की न्यूज है करंट की युवराज सिंह के बारे में, जसप्रीत बुमराह, अभी की एकदम करंट न्यूज है जसप्रीत बुमराह है, जो कि वन प्लस जो बैंड आते हैं राइट, जो हैंड बैंड आते हैं, जो हैंड वॉच आती है आपकी राइट, तो उनके आपकी एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। आज अब ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं जसप्रीत बुमराह। वन प्लस आप सभी परिचित हैं, सभी को पता है, डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो उपशाना कामिनी जो कि आपकी WWF इंडिया में फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के रूप में, राजदूत के रूप में नियुक्त की गई है। ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज पे राइट। एंड बिफोर दैट, आज है 28th of June राइट, तो 28th of June तक अपन ने कौन कौन से डेज इम्पोर्टेंट पढ़े हैं, एक बार उनका ब्रीफ में रिविजन्स कर लेते हैं। फटाफट रिविजन्स करूंगा, आप नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बनाते हैं 1 जून को, वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस जो कि 1 जून को बनाते हैं। ग्लोबल पेरेंट्स डे भी आपका 1 जून को बनाते हैं। ओके, फिर आता है 3 जून राइट, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे राइट, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे जो कि आपके 3 जून को बनाया जाता है। कब बनाते हैं? 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, विश्व साइकिल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के। नेक्स्ट है आपके लिए, दैट इज द 5th of June को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आपकी 5th of June को बनाते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है आपके 7th of June को राइट, फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि आपके 7 जून को बनाते हैं। फिर आता है 8th of June को, आई होप ये तो किसी को ही नहीं पता होगा, इंटरनेशनल आपके ओशियन डे, अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस जो कि आपके 8th of June को बनाते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है 14th of June को, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस जो कि आपके 14th of June को बनाते हैं, नोट करिएगा। फिर आता है 20 जून को, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी राइट, रिफ्यूजी डे जो कि आपके 20 जून को बनाते हैं। फिर आता है 21 जून को, माय डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे राइट, जिसका 7th edition था, याद रखिएगा। योगा फॉर हेल्थ, दैट इज द थीम ऑफ पर्टिकुलर डे राइट, याद रखिएगा। ओके, और एम योगा एप्लीकेशंस की भी शुरुआत की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राइट। एक इसी दिन आपके वर्ल्ड म्यूजिक डे की आपता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे जो कि आपकी इसी दिन बनाते हैं, दैट इज द 21 जून को राइट, 21 जून को। एक हाइड्रोग्राफी डे भी होता है जो कि आपके 21 जून को बनाया जाता है। ओके, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज इन चीजों को मिस मत करिएगा। ओके,
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और साथ ही साथ आपने नोट भी किया होगा कौन कौन से डेज कब बनाते हैं। एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस डेज के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, राइट। अगर आपको मई मंथ के चाहिए कि सर हमको मई मंथ का पढ़ना है, राइट, आपको मई मंथ का, तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। मई मंथ का, अप्रैल मंथ का, जून मंथ का, जून का, राइट, फरवरी का, मार्च का, सभी के लिंक मैंने दे रखे हैं, अच्छे से बता भी रखा है, एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस एग्जामिनर ने बना दिया है इसके ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द नेशनल डेरिवेटिव डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में बनाए गए हैं, चेयरमैन के रूप में बनाए गए हैं, दैट इज द मनीष सर, ओके, नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, मिनेश शाह, ओके, मिनेश शाह है जो कि एक चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त हुए हैं, ओके। पहले माय डियर स्टूडेंट्स दिलीप रथ हुआ करते थे, उनको इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन में भेज दिया गया था, उनके बाद फर्स्ट महिला बनी थी वर्षा जोशी, राइट, नाम याद रखिएगा। वर्षा जोशी का भी कार्यकाल आपके मई में कंप्लीट हो गया, अब आपकी, दैट इज द मिनेश शाह है जिनको नियुक्त किया गया है NDDB का, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन के रूप। इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है, ये याद रखिएगा, ओके। डेयरी के सेक्टर्स में बात आई तो माय डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड मिल्क डे, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 जून को, एंड देन आपकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा पूरे के पूरे विश्व में लगभग 195 कंट्रीज हैं, तो पूरे विश्व में आपके इंडिया है जो कि एक सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादन कंट्री है, राइट। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दूध का आपकी इंडिया में होता है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर हो, सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। दिलीप रथ पहले थे, इनसे पहले वर्षा जोशी थी, कार्यकाल से कंप्लीट हुआ, देन मिनेश शाह अभी आपके नियुक्त होंगे। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, EIL CMD ऑनर्ड विथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, राइट। जो मंगोलिया कंट्री है, सब परिचित है मंगोलिया कंट्री के बारे में, राइट, जैसे कि अपने भारत का एक सिविलियन, सबसे अच्छा सिविलियन अवार्ड जो भारत रत्न माना जाता है, उसके बाद पद्म जो अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राइट, तो उसके बाद आपके माने जाते हैं, देन मंगोलिया में इनको जो आपकी श्री आर की सबरवाल, राइट, आर के सबरवाल है, उनको मंगोलिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दिस, इनके पीछे रीजंस क्या है, क्योंकि इन्होंने आर के शबरवाल हैं, ऑयल रिफाइनरी में बहुत अच्छा काम किया था, सबसे फर्स्ट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मंगोलिया में ऑयल रिफाइनरी का काम स्टार्ट किया था, ओके, इसीलिए इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। पूरा नेम इस पर्टिकुलर अवार्ड के नेम से, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, राइट, ये आपका अवार्ड्स की एक थीम कह लीजिए, अवार्ड कह लीजिए, क्लियर, नाम याद रखिएगा, एक इंडियन से श्री आर के शाबरवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया की कैपिटल आपकी उलान बाटार है, राइट। उलान बाटार इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया एंड करेंसी है आपके मंगोलियन टॉर्गरो, राइट, टॉर्गरो, क्लियर, याद रखिएगा।
इज इट क्लियर? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा, ओके? एंड शेयर करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है माई डियर एस्पिरेंट्स, यूकेश हैनकॉक, राइट? हैनकॉक मैट हैनकॉक है, जो कि एक यूके यानी यूनाइटेड किंगडम्स में एज आपके स्वास्थ्य मंत्री का, हेल्थ मिनिस्टर्स का प्रभार देख रहे थे, राइट? उन्होंने कुछ COVID-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं, राइट, उन्होंने प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से वहाँ पर पूरा का पूरा अराजकता, बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट में आए हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए, ओके? क्लियर? मैट हैनकॉक आपकी यूनाइटेड किंगडम्स की आज स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर्स के रूप में कार्यभार देख रहे थे, ओके? इज इट क्लियर? बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में है, याद रखिएगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसीज हैं, हैचकट इंटेक इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2021-22, राइट? तो कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है? दैट इज द 9.5%। 9.5% फोरकास्ट की है 13.6% से, ओके? ये आप कटिंग्स भी देख सकते हैं। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कट्स इंडियाज रेट फाइनेंशियल ईयर 22 ग्रोथ फोरकास्ट टू 9.5%, ओके? इज इट क्लियर? तो इसका आंसर होगा 9.5 D ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड थिंग, जो भी रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कल मैंने बात की थी मूडीज रेटिंग एजेंसीज के बारे में, देन आफ्टर दैट आप इंडिया रेटिंग्स के, की रेटिंग्स की, राइट, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज फॉर्म्ड अ कमेटी टू एक्सप्लोर एवेन्यूज फॉर सिप फाइनेंसिंग एंड लीजिंग। हु इज द चेयरमैन ऑफ कमेटी, राइट, किस कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, राइट? तो एक जहाज के वित्त पोषण और पट्टे पर देने के रास्ते तलाशने के लिए एक कमेटी गठित की है, राइट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने, तो उस कमेटी के हेड रहेंगी वंदना अग्रवाल, राइट, वंदना अग्रवाल है जो उस कमेटी की हेड रहेगी, ओके? क्लियर? यह IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है, यह ध्यान रखिएगा आप, ओके? ऑप्शंस देखिए, CS गोज, यह किसी बैंक के MD एंड CEO बने हैं, तो आप इसका भी कमेंट जरूर करिएगा। वंदना अग्रवाल हो गया। अनूप चंद्र पांडे रिसेंट में इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, अनूप चंद्र पांडे, ओके? सती आशीष चंदोलकर, राइट, जो कि आपके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ओके? आशीष चंदोलकर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? समझ में आया तो प्लीज लाइक करते चलिएगा। और ये इसके हेडक्वार्टर के बारे में LIC असिस्टेंट मेंस का क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक हैज साइंड 32 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOIA विद एंड विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोजेक्शन इन द स्टेट। विश्व बैंक आप सभी परिचित हैं, तो कौन से बैंक ने $32 मिलियन रुपीज के कौन से राज्य ने दुबाह है? मिजोरम, ओके? मिजोरम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? आपकी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का कमेंट करिएगा आप, राइट,
सबको पता है, सबसे फेमस स्थान है, राइट। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर बताइएगा, और इसके अध्यक्ष के रूप में रिसेंट में डेविड मालपास रिसेंट में अध्यक्ष है आपके वर्ल्ड बैंक के, याद रखिएगा। भारत का ओलंपिक थीम गीत है लक्ष्य तेरा सामने है, राइट। एक ओलंपिक गीत तैयार किया गया है भारत के लिए, लक्ष्य तेरा सामने है, राइट। तो उस पर्टिकुलर रचना के लेखक कौन है? तो वह है, दैट इज द मोहित चौहान। ओके, मोहित चौहान जो कि लक्ष्य तेरे सामने की एक रचनाकार कह सकते हैं, मोहित चौहान नाम याद रखिएगा। किस राज्य गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री परिवार कल्याण परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है, राइट। तो यह शुरुआत की है, दैट इज द दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट उन सभी कोविड से जो पेशेंट है, राइट, कोरोना से जिनकी डेथ हुई है, फैमिली को खो दिया, उनके लिए पर्टिकुलर स्कीम है, राइट, मुख्यमंत्री परिवार आर्थिक सहायता स्कीम। ओके, क्लियर। यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, आज के लिए आपका क्वेश्चंस, भारतीय एयरटेल एज अ पार्टनर विद विच इंडस्ट्री ग्रुप फॉर मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस। भारतीय एयरटेल ने मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क के समाधान के लिए किस उद्योग के समूह के साथ साझेदारी की है? तो व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, जरूर दीजिएगा। ओवरऑल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी बहुत जरूरी है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।